तपोवन का पहला प्रवेश द्वार जिसको अभी हम लोग पार करेंगे और आगे चलते हैं। अभी जो सामने दिख रहा है वो है तपोवन पर्वत। आज यहीं से कुछ तपोवन का दृश्य आप लोगों के बीच। सामने तपोवन का दूसरा प्रवेश द्वार तपोभूमि तपोवन में आपका स्वागत है। अब हम लोग चलेंगे तपोवन पर्वत के ऊपर। सामने तपोवन मंदिर। ऊपर चलते हैं। सामने है शिव मंदिर। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। ऊपर आश्रम की ओर अब
1882 में बालानंद ब्रह्मचारी जी यहाँ आ रहे तपोवन 1937 में इन्हीं शरीर छोड़ बचे यहाँ 44 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। 1882 से 1926 तक अंदर गुफा में शेर के साथ शेर से मर गए, उनका मस्तक वगैरह वो हड्डी छे। हिमालय पहाड़ पे किए थे जिसे हम लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। कामनालीन को लंका ले जा रही बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में रावण को लघु शंका लगा क्योंकि जल का देवता वरुण जी उनके पेटों में समा गए। इधर देवता लोग छल किए, शिवलिंग को हरण करके जमीन में रख दिए। शर्त यही था कि जहाँ एक बार रख देंगे हम वहीं रह जाएंगे। जब कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में रह गया, रावण नहीं ले जा पाए, उठाने का प्रयास किए नहीं उठा पाए, क्रोध में आके जोर से मुष्टि प्रहार कर दिए। शिवलिंग जमीन में धस गए और एक तरफ झुक गए। बाबा धाम का शिवलिंग आप लोग देखे होंगे। दूसरा तपस्या इस तपोवन में किए, आगे देखेंगे रावण का गुफा। देवता में हलचल हो गया कि रावण तपस्या कर रहा है, हनुमान जी को भेजा गया तपस्या को भंग करने के लिए। हनुमान जी गदा के प्रहार से चट्टान को खंड विखंड किए, तोड़फोड़ किए, गर्जन किए, रावण का तपस्या को भंग कर दिए। राम लक्ष्मण सीता को जब वनवास मिला था चारों तपोवन को घूमते हुए यहाँ पे पहुँचे थे। माँ सीता हनुमान जी से परीक्षा लेते हैं, प्रमाण लेते हैं, तुम रावण का तपस्या को भंग किया, क्या प्रमाण है? तो जैसे अयोध्या में हनुमान जी सीना चीर के दिखाए थे, आगे एक पत्थर देखेंगे। जय श्री राम का ध्यान लगा के हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से दाग लगाए, पत्थर देवी शक्ति से दो भाग में बटा है और उसी के अंदर में हनुमान जी का आकृति है, छाप है, मूर्ति है। इसी को देखने के लिए लोग आते हैं, मानिए देव और नहीं तो पत्थर। जागृत मानस मंदिर है, लोग कामना करते हैं, दो नियम का पालन करना होता है। यहाँ आप जो भी कामना करेंगे, श्री राम का नाम 11 बार मने मन लेना है, श्री राम का ध्यान लगा के कामना करेंगे, कामना गुप्त होगा। लोग कामना करते हैं, भगवान जिसको जैसा सामर्थ्य दिया है इनकी यज्ञ पूजा निमित्त दान देते हैं, दान काम तो नहीं है। बोलिए बजरंग बली की जय। यह वही शिला है जिसे बजरंग बली शिला भी कहते हैं। जय बाबा बजरंग बली। तपोवन में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 13 गुफाएं हैं यहाँ पर, छोटी बड़ी मिलाकर, और सब बहुत रोमांच भरे हुए। हुआ 13 गुफा से निकल करके अंतिम लास्ट हुआ यहीं पर, ये माता लक्ष्मी जी का स्थान है, समझे ना। अब इधर से गाड़ी के पास पहुँचना है। अगर आप सबों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।